ये है रफीक। प्यार से इनको रोजेदार रफीक भी कहते हैं। इनकी दो शख्सियत है, एक इफ्तार से पहले की और एक इफ्तार के बाद की। गेम शोज आ रही है। अबे बॉस की कॉल यार। एक तो संडे का दिन है, रिलैक्सिंग डे है, ऊपर से कॉल कर रहे हैं बॉस। एक तो रमजान है, मैं कुछ कॉल करके टोपियां भी नहीं करवा सकता हूँ, और रोजे में झूठ गुना मिलेगा यार। काम करता हूँ, इनको इफ्तार के बाद कॉल करता हूँ। ये ठीक है, इफ्तार भी होने वाला है। यार एक तो ये बॉस को भी चैन नहीं है, संडे के दिन भी जो ना। हेलो बॉस, कैसे आप? मैं ठीक हूँ रफीक, कब से कॉल कर रहा हूँ, कहाँ गायब हो तुम? अरे सर वो असल में मोबाइल साइलेंट पे था, मैं नमाज पढ़ रहा था। आपको पता है नमाज पढ़ते हुए मोबाइल साइलेंट पे रखना पड़ता है ना, और फिर वो इफ्तार का टाइम हो गया, उसमें मैं बिजी हो गया, तो बस इसी चक्कर में मैं आपको कॉल करने वाला था। वो सब तो ठीक है, मगर क्लाइंट का फीडबैक है, उनको अर्जेंट चेंजेस चाहिए, अभी कर दो। सर असल में मसला ये कि वो इशा का टाइम हो रहा है अभी, तो मैं तरावी पढ़ने जा रहा हूँ, छोड़ नहीं सकता, कंटिन्यू चल रही है मेरी तरावी, और तरावी में एक डेढ़ घंटा लग जाएगा, उसके बाद अब्बू को हॉस्पिटल लेके आना है, बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिला है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर मेरे लिए, मैं रात को काफी लेट फारिग होऊंगा। सही है सर? अरे भाई जान छुटी, क्या आदमी है यार ये। अबे मैच का टाइम हो गया। बेटा मैंने इंडिकेटर का इशारा किया था ना आपको। सॉरी अंकल, सॉरी देखा नहीं मैंने, सॉरी। अच्छा बेटा आपको लगी तो नहीं ना कहीं, गाड़ी वाड़ी पे तो नहीं लगी कोई? नहीं नहीं नहीं। देख संभल के गाड़ी चलाया करो, रोजा है ना तुम्हारा? जी जी जी। अच्छा चलो अब घर जाओ सुकून से, और हेलमेट पहनो, वैसे भी रोजा खुलने वाला है। जी अंकल। मुबीन बेटा, मगरिब का टाइम हो गया है, नमाज पढ़ लो। क्या टाइम हो रहा है? अबे ये तो नाइट मैच का टाइम होने वाला। चल थोड़ा सा नींद ले लेता हूँ, फिर मैच खेलने जाऊंगा। Later that same evening. यार वैसे इफ्तार के बाद नींद टाइट आती है, सो जाता हूँ थोड़ा सा। अरे मुबीन बेटा तुम अब तक सो रहे हो, इशा का टाइम हो गया, जाके तरावी पढ़ो। हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। यार तुम लोग इफ्तार का क्या सीन है? यार मैं तो घर में करूंगा, अम्मी पकौड़े पका रही हैं। अरे यार मैं सोच रहा था पिज्जा खाने चलते हैं। अरे नहीं यार मैं डाइटिंग पे हूँ तो मैं जरा अवॉइड ही करूंगा। अरे पकाने से याद है, तुम लोग को कामरान याद है? वो यूनिवर्सिटी वाला? हाँ हाँ वही बोंगा सा जो पकाते रहता है। अरे पकाऊ कामरान? हाँ
पता है परसों उसने क्या हरकत की? परसों मेरे कजिन पे लाइन मार रहा था। हैं? अबे यूनिवर्सिटी में एक प्रेजेंटेशन तो सही से दे नहीं पाता था, अब लड़कियों पे लाइन ही मार रहा है। हाँ, अजीब छिछोरा आदमी। उसे घर में क्या माँ बहन है नहीं जो बाहर आके ये हरकतें कर रहा है? अरे जैसी जैसी चुप हो जा यार, क्यों तू उसकी पीठ पीछे बुराइयां कर रहा है? तुझे पता है इसको गीबत कहते हैं। तू अपना तो रोजा खराब कर ही रहा है, हमारा भी खराब कर रहा है। अगर तुझे इससे मसला है ना तो फेस टू फेस जाके कन्फ्रंट कर, इस तरह पीठ पीछे बैठ के बुराइयां नहीं कर, इसको गीबत कहते हैं, गुनाह मिलेगा। तो तुम लोग पिज्जा खाने नहीं चले? नहीं यार नहीं, या फिर अम्मी को मना करना पड़ेगा, बिला वजह समोसे बना दिए। अली ने नई गाड़ी ले ली? हाँ मैं भी अभी देख रहा था, अभी स्टोरी लगाई थी उसने। अरे उसने दो हफ्ते पहले ली थी, अब भी उसने स्टोरी डाली है, पुरानी बात है। अबे तुम लोगों को पता है इसने मैंने 50,000 रुपए खाए हुए? जब कभी भी मैं इससे पैसे मांगता हूँ तो हमेशा कहता है कि गुर्बत है, गुर्बत है, गुर्बत है, आई एम ब्रोक। इसकी तो मैं तो दुआ कर रहा हूँ अल्लाह से इसका शीशा टूटे और कोई पैनल चुरा के ले जाए इसका। बल्कि इसको तो मैं अभी मैं बताता हूँ, सब छूटा। अरे कैसा आदमी, अजीब आदमी, दोपहर में इतना लंबा लेक्चर दे रहा था और अब देखो। छोड़ यार, वैसे गाड़ी अली ने अच्छी ली है। नहीं हाँ अरे रफीक क्रिकेट खेलने चल रहा है, कल तू नहीं आया था। पागल हो गए हो क्या, रोजा खुलने वाला है तो पागलों की तरह खेलते रहूंगा मैं? अबे अभी कौन सा रोजा, अभी तो 2 घंटे पड़े हैं। अरे तू 2 घंटे है तो जाके नमाज पढ़ो, इबादत करो ना, ये क्या क्रिकेट में लगे पागलों की तरह। तो तुझे किसने बोल दिया कि हमने नमाज नहीं पढ़ी है, इबादत नहीं की? हमने सब कर लिया, टाइम बचा तो यूटिलाइज कर रहे हैं। अबे गर्मी देख रहे हो तुम लोग, बिलावजह तुम लोगों को रोजा लगेगा, मैं अपने आप को ये आजमाइश में नहीं डाल रहा भाई, सुकून से इबादत करूंगा, तुम लोगों को पागल बनना बनो। अरे सभी छोड़, इसको नहीं खेलना, छोड़ हम जाके खेलते हैं, आ जा। अभी इसको देख, वाह यार रफीक, खुद यहाँ बैठ के गेमिंग कर रहे हैं और शाम में हमें इतनी नसीहतें कर रहा था। मुझे लगता है रफीक के साथ कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, रोजे में कुछ होता है, इफ्तार के बाद कुछ और। फिर मैंने तुम लोगों को गेम खेलने से कब मना किया? वो तो तुम लोग बिलावजह गर्मी में क्रिकेट खेल रहे थे, रोजा लग जाता तो मैंने बोला सुकून से घर में जाओ भाई, आराम करो। मैं यहाँ फ्री फायर खेल रहा हूँ अपने रोजे और इबादत से फारिग होने के बाद, आ जाओ तुम लोग भी मेरे साथ लगाओ। अरे नहीं भाई, हम तो साथ वाली गली में नाइट मैच खेलने आए थे, तुझे यहाँ अकेला बैठा हुआ देख लिया तो आ गए, चल जैसे हम चले, हमारा मैच स्टार्ट होने वाला है। ओ भाई मैच वैच छोड़ो, मेरे साथ फ्री फायर खेलो। माना कि क्रिकेट एक फिजिकल एक्टिविटी होती है, मगर फिजिकल के साथ साथ आपको मेंटली एक्टिव भी होना बहुत जरूरी है, और फ्री फायर से बेहतरीन और कोई चीज़ नहीं आपकी मेंटल एक्टिविटी की वजह से। भाई ई गेमिंग भी कभी ट्राई किया करो, बहुत अच्छी मेंटल एक्टिविटी है। चलो आ जाओ मेरे साथ फ्री फायर लगाओ। समी जब रफीक इतना बोल ही रहा है तो खेल लेते हैं, मैच कल खेल लेंगे। बेटा एक दफा फ्री फायर की आदत लग गई ना फिर कभी नहीं छूटेगी आदत, मेरे साथ ही यहाँ बैठ के फ्री फायर खेल रहे होगे। और तुम्हें बताता चलूं रमजान में इनकी इतनी बेहतरीन ऑफर आई हुई है ना, और तो और सुनो जो लोग भी फ्री फायर के रमजान स्पेशल इन गेम वेब इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे ना उनको 2 मेल बंडल फ्री मिलेंगे, पता है। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा आपको इन गेम्स रिवॉर्ड भी मिलेंगे, जैसे कि AK-47 की गन स्किन, ग्रेनेड, मिनी पैन, बैट, बैकपैक और इस तरह की बहुत सारी चीजें। इतना सब कुछ रमजान प्रमोशंस में? अरे हाँ ना, चल आजा क्लैश स्क्वाड खेलते हैं। यार रफीक ये हमारी टीम में हमाद 007 और अहमद 008 कौन है? अबे यार ये लोग मेरे ऑनलाइन दोस्त हैं, फ्री फायर पे ही मिले थे, बहुत प्रो हैं, मैं इन्हीं के साथ ही खेलता हूँ भाई। वाह जबरदस्त। देखो भाई फ्री फायर जोड़े यारों को, प्यारों को, गैरों को, मतलब सारों को। चलो भाई टाइम पर बात नहीं करो, गेम खेलते हैं। Ramzan khelein Free Fire and get a chance to win 2 free mail bundles and other in-game rewards like AK-47 gun skin, grenade, mili ban and bat, backpack and much more. And don't forget to log in on Eid and enjoy Free Fire and win loads of amazing prizes. Free Fire jode yaaron ko, pyaron ko, gairon ko, matlab saaron ko.